आज हम खास तौर से ये समझेंगे कि संधिवात या ऑस्टियोआर्थराइटिस में हम किस तरह अपने नेचुरल जॉइंट्स को, स्पेसिफिकली घुटनों को या फिर हिप जॉइंट को, कूल्हे को किस तरह 100 साल तक बिना किसी सर्जरी के चला सकते हैं। बहुत आसान है, थोड़ी हमको प्रिकॉशंस लेनी होंगी। अगर हम एज टू एज, टाइम टू टाइम प्रिकॉशंस लेते रहें तो हमारे को जीवन भर सर्जरी कराने की, घुटने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किस तरह करें? बेसिकली ये ऑस्टियोआर्थराइटिस या संधिवात जिस उम्र पर शुरू होता है वो उम्र है 45 से 50 साल के आसपास। महिलाओं में इसकी शुरुआत थोड़ी जल्दी देखी गई है क्योंकि मेनोपॉज के बाद में हड्डियों के अंदर कमज़ोर होने की समस्या, ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या तेज़ी से आती है। तो यह देखा गया है कि महिलाओं के अंदर इसकी शुरुआत 45 से 50 साल पर हो जाती है और मेल्स में चूँकि उनके पास में हार्मोनल ब्लैंकेट, हार्मोनल कवरेज रहता है जिससे बोन्स उनके मजबूत रहते हैं, जॉइंट्स स्ट्रांग रहते हैं, तो ये समस्या उनको आती है लगभग 50-55 साल के बाद। जिन महिलाओं का या जिन पुरुषों का वजन ज़्यादा होता है उसमें ये 4-5 साल पहले भी शुरू हो सकती है। तो सबसे पहला सर्जरी या किसी तकलीफ से बचने का तरीका है कि आपका वजन एकदम नॉर्मल रखें। जो रिकमेंडेड वेट है आपके हाइट के हिसाब से उसको मेंटेन करें, सबसे पहली चीज़, जिससे घुटनों पे, कूल्हे पर ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर, वजन ना आए। दूसरी चीज़, इनकी रेगुलर एक्सरसाइज करें। एक 30 मिनट अगर हम नॉर्मल वॉक करते हैं या ब्रिस्क वॉक करते हैं तो आप उसी के अंदर पूरी तरह से घुटने की और कूल्हे की एक्सरसाइज कर लेते हैं, या एक 15 मिनट की हम साइकिलिंग करें और 20 मिनट का एक हम वॉक का सेशन करें तो उसके अंदर हम अपने जॉइंट्स की नॉर्मल एक्सरसाइजेस को कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद में हमको कुछ अपने डाइट के अंदर ख्याल रखना है। एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट लें जिसके अंदर करक्यूमिन, लहसुन या फिर ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन सी, फाइबर, ये सारी चीज़ें, नट्स का यूज़ करें, आलमंड या फिर अखरोट, इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको काफ़ी बेनिफिट देगा। इसके बाद में अगर कभी कोई दर्द की समस्या होती है या आर्थराइटिस के चेंजेस घुटने के अंदर देखने में आते हैं तो दो तरह की दवाइयाँ लें। दो तरह की दवाइयाँ कौन सी? एक जो आपके घुटने के दर्द को व सूजन को कम कर सके, क्योंकि वो दवाई लेने से जो स्वेलिंग के कारण, सूजन के कारण जो कार्टिलेज की क्षति होती है वो रुकती है और ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रोग्रेशन स्लो डाउन होता है और उसको लंबे समय तक आपको लेना है। ऐसा नहीं कि आपने एक महीना, दो महीना, छः महीने का कोर्स किया और बंद कर दिया। उसे आपको रेगुलर लेना है, लंबे समय तक लेना है जिससे आपकी ये क्षय की प्रक्रिया स्लो डाउन हो जाए। और दूसरा, जो गादी कार्टिलेज है घुटने के अंदर उसके लिए कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं और हाल ही में CDRI ने स्पिनेशिया ओलेरेसिया, पालक से कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट निकाले हैं जो कार्टिलेज की हेल्थ के लिए काफ़ी आवश्यक है। उसके साथ में कुछ अन्य सप्लीमेंट जैसे कोलेजन पेप्टाइड टाइप 2 या फिर करक्यूमिन, रोजहेप, ग्लूकोजामीन, MSM, हाँ, तो ये सारे सप्लीमेंट हैं जिन्हें आप लेकर के अपनी कार्टिलेज को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, उसकी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं जॉइंट की, और साथ में फाइटो एनाल्जेसिक एंटी इन्फ्लामेटरी लें जो आपके हेल्थ के ऊपर कोई साइड इफ़ेक्ट ना दें। क्योंकि जो हमारे NSAID हैं, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, उनको लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो उसकी जगह आप फाइटो एनाल्जेसिक एंटी इन्फ्लामेटरी का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें करने से, रेगुलर एक्सरसाइज के साथ में वेट को कंट्रोल करने से, कभी ज़्यादा दर्द होता है तो हॉट एंड कोल्ड फोमेंटेशन करने से, इन सभी चीज़ों के सपोर्ट से आप अपने नेचुरल घुटनों को 100 साल तक या पूरे जीवन के लिए मेंटेन या मैनेज कर सकते हैं। धन्यवाद।